नमस्कार, आप देख रहे हैं अखाड़ा और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। राम मंदिर आंदोलन सत्ता की श्योरिटी दिलाता है। मुद्दे के मैजिक को सियासत बखूबी समझती है। कोई पर्दे के सामने तो कोई पर्दे के पीछे से अपने मोहरे चलाता है। और आज की सियासी तस्वीर भी एक बार फिर राम मंदिर के बहाने सत्ता के करीब जाने की कवायदों को बल देती नजर आती है। विचारधारा सबकी अपनी है, तौर तरीके भी सबके अपने हैं, लेकिन मंशा यही है कि माहौल अपने लिए बनाया जाए। मौका, मंच, मुद्दा, माहौल की सबकी अपनी सोच और तरकीब है, लेकिन रिजल्ट सबका वही है और साफ है कि यह संकल्प फॉर सत्ता है। तो इसी मुद्दे पर बड़ी बहस, और इस बहस को शुरू करने से पहले समझते हैं क्या कुछ स्थितियां हैं, बयान क्या कुछ कह रहे हैं, आरएसएस के इस संकल्प यात्रा के मायने क्या कुछ हैं, समाज इसे किस तरह से लेता है, खुद आरएसएस को इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इन बयानों के जरिए पहले समझने की कोशिश करते हैं। राम मंदिर तो निश्चित बनना है, लेकिन कोर्ट ने जो विलंब किया है इसके कारण इतना परिश्रम करना पड़ता है। यदि कोर्ट विलंब न करती और ठीक ठीक सुनाई हो जाती तो इस प्रकार का परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं थी। मोहन भागवत जी राम मंदिर के लिए उनका बयान आता रहता है, किंतु ये कहीं न कहीं से इनके अंदर कायरता झलक रही है। आरएसएस वालों के अंदर कहीं न कहीं से ये भयभीत मालूम पड़ रहे हैं, कहीं न कहीं से इनके अंदर जो है तो भय छिपा हुआ है। तो क्या ये संकल्प सत्ता की सीढ़ियां हैं? क्या इस संकल्प से सियासी हित साधे जा रहे हैं? इसी मुद्दे पर आज बड़ी बहस, और इस बड़ी बहस के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मेहमानों का बड़ा पैनल भी मौजूद है। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं उनसे। हमारे साथ नरेंद्र सिंह राणा, प्रवक्ता बीजेपी है। हमारे साथ अमरनाथ मिश्रा, अध्यक्ष अयोध्या सद्भावना समिति है। इसके साथ ही ब्रजेश मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। इसके अलावा अब्दुल रशीद साहब हमारे साथ एडवोकेट मौजूद है, और हाजी हसन अहमद रिजवी साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जो मुस्लिम स्कॉलर है। पहला सवाल अमरनाथ मिश्रा जी, जिस तरह से हम तस्वीरें देखते नजर आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, एक के बाद एक अध्याय जुड़ते जा रहा है राम मंदिर आंदोलन में, अब जो संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, इसकी क्या कुछ मंशा आपको नजर आती है? आरएसएस का अचानक से इस तरह का रुख अख्तियार करना क्या कुछ साबित करता है? देखिए, अचानक कुछ नहीं हो रहा है। काफी समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर के पूरा राम मंदिर का आंदोलन पिछले 3 दशकों से चलाया है जी। और हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में जी, सनातन संस्कृति में किसी भी शुभ काम के पहले संकल्प लिया ही जाता है, और राम का जो मंदिर है ये कण कण में राम है, ये सब सबके लिए, ये करोड़ों राम भक्तों की बात है। इस वजह से संकल्प यात्रा शुरू की गई है, और इसमें सब लोगों को जोड़ने की बात है। जितने भी राम भक्त हैं सामान्य से लेकर बड़े तक जी, पूरी देश और दुनिया में उस यात्रा के माध्यम से मंदिर बनाने के लिए जुटे हैं, इसलिए संकल्प यात्रा है जी। नरेंद्र सिंह राणा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से, उनसे बात करेंगे। नरेंद्र जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं ये आंदोलन अब तेज होता नजर आ रहा, आखिर क्या कुछ मंशा अब बीजेपी के सामने दिख रही है, जब आरएसएस को सामने आना पड़ा, शिवसेना को आगे आना पड़ रहा? देखिए शैलेंद्र जी, जैसा आपने भी कहा कि ये संकल्प फॉर सत्ता है जी, तो इसमें थोड़ा सा सुधार कीजिए, ये संकल्प फॉर सत्य है जी। हमें इस सत्य के संकल्प नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना, ये आप कह रहे हैं कि ये संकल्प और सत्य है, विपक्ष तो कह रहा है कि सत्ता की लड़ाई है, इसीलिए आप कभी आरएसएस को सामने ला रहे हैं, कभी शिवसेना को आगे ला रहे हैं, कभी आपके ही नेता अलग अलग तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, वेब को तमाम आयोजन करने पड़ते हैं। उनको कहने का अधिकार है, हम उनकी जबान पर ताला लगाना नहीं चाहते, वो जरूर कहें, लेकिन जनता को ये जानने का पूरा अधिकार है कि जो संकल्प और सत्य
चलिए अब्दुल रशीद साहब, आप इस तरह के आंदोलन को किस तरह से देखते हैं, क्या इनकी जरूरत थी, ये इस तरह का संकल्प क्या कुछ संदेश दे रहा है जब तमाम कवायदे राम मंदिर आंदोलन पर चल रही, वक्त अगर की बात करें तो चुनाव करीब है, ये किस तरह की सियासी हलचलें बढ़ती नजर आ रही है? अब ये जब इलेक्शन करीब आता है तभी हलचल शुरू हो जाती है जी, क्योंकि बीजेपी ने जो वादे किए थे कि मैनिफेस्टो में कि हम आएंगे तो ये करेंगे, एक भी वादा पूरा नहीं किया है जी। आज किसान आंदोलन कर रहा है दिल्ली के अंदर, आंदोलन का ये हाल, कहता अयोध्या नहीं मुझे कर्ज माफ़ी चाहिए, तो कर्ज माफ़ी की बात कोई बताता ही नहीं, करता नहीं। बाराबंकी में बताया गया सब 70 रुपये कर्ज माफ़ी की गई है और 200 रुपया किराया खर्च करके आदमी जा रहा है। तो जितने मुद्दे थे बीजेपी के सब फ्लॉप हो गए हैं, कहीं से भी ठहर नहीं रहे अपनी जगह के ऊपर, सिर्फ माइंड डाइवर्ट करने के लिए सब खेल किया जा रहा है। ब्रजेश जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, तमाम जो घटनाक्रम देखने को मिल रहा है इसके पीछे क्या कुछ मंशा दिखती है सियासी पार्टियों को, खासतौर से बीजेपी की बात करें तो कभी बैकफुट पर नजर आती है, कभी फ्रंटफुट पर नजर आती है, कभी लगता है कि पर्दे के पीछे खेल चल रहा और कभी कल लग रहा है कि टॉप गियर वही लगा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, बीजेपी के राजनीति के मूल में हिंदुत्ववादी जो राजनीति रही है वो एक जग जाहिर तथ्य है जी। महत्वपूर्ण तथ्य जो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जिस तरह से टली जी, वो बहुत ही नाटकीय ढंग से टल गई, और जैसा कि पहले की सीजीआई कहते थे दीपक मिश्रा जी, कि इस पर डे टू डे हियरिंग करके इसको एक्सपेडिशियसली सुन लिया जाए और इसको जो है जनहित में इसमें निर्णय दे दिया जाए। तो बाद में जब सुप्रीम कोर्ट का रुख एकदम बदल गया और जनवरी में उन्होंने कहा कि भाई हम सुनेंगे इसको जनवरी के लिए, और कौन सी बेंच सुनेगी और हमारी प्राथमिकताएँ इसके अतिरिक्त बहुत कुछ हैं जी, तो वहाँ पर मैं समझता हूँ कि ये टर्निंग पॉइंट था इस पूरे मामले में। और बीजेपी का जहाँ तक प्रश्न है, देखिए बीजेपी बजरंग दल या आरएसएस या जो भी हैं, बीजेपी है बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये आरएसएस के ही आनुषंगिक संगठन है। तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी की जो अभी ऑफिशियल स्टेट लाइन है, अभी वो मंदिर के लिए ऑफिशियल कोई स्टेट लाइन तो उनकी नहीं आई है, जैसा कि अमित शाह जी ने भी कहा कि चूंकि मामला माननीय, बिल्कुल यही सवाल भी है कि आखिर ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है पार्टी का। अहमद रिजवी साहब, जिस तरह की हम तस्वीरें देख रहे हैं, प्राथमिकता कोर्ट की अपनी है, बीजेपी की अपनी है, लेकिन जब विकास की बात होती है तो राम मंदिर की बात करने लगते हैं, जब राम मंदिर की बात होती है तो विकास का यहां पर हवाला देने लगता है, आखिर इस तरह की तस्वीर क्यों बन रही है, क्या ये संकल्प खाली सियासी है? बिल्कुल 100% ये सियासी संकल्प है, और अगर इस मुद्दे को हल ही करना था तो 4.5 साल बहुत समय था बीजेपी के पास, लेकिन 4.5 साल में तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा, इस वक्त ऐन चुनाव के वक्त इस मुद्दे को उठाना 100% सियासी है। और हम तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हम लोग मानेंगे जो भी निर्णय आएगा, क्या एक बार ये भी तो ये बात कह दें, इनसे भी तो पूछिए कि ये एक बार कहे सुप्रीम कोर्ट से डर किस बात का, सर्वोच्च संस्था है। बिल्कुल अमरनाथ जी, आखिर उसके फैसले से डर किस बात का है जी, सवाल भी यही है कि जब मामला कोर्ट में है तो इस तरह की बेसब्री, इस तरह की बेकरारी क्यों? अमरनाथ जी, संत समाज में जिस तरह से आक्रोश है, अभी हमने देखा परमहंस जी भी बयान दे रहे थे कि बीजेपी ने उनको धोखा दिया, विश्वास उनका डगा है, आखिर राम भक्त में किस तरह का संदेश जा रहा है इस तरह की संकल्प यात्राओं से, और मंशा क्या कुछ आपको दिखती है? अब देखिए, कोई गलत संदेश नहीं जा रहा है, ना किसी तरह प्रकार की भ्रम की स्थिति है, जो अभी आप कह रहे हैं जी, हमारे दोस्त बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से डर लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट से काहे के डरने की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने तो राम भक्तों के साथ छल किया है। जो भी था वो अचानक से बेसब्री और बेकरारी क्यों? उसका कारण आपको बता दें, अभी हमारे विद्वान मित्र ब्रजेश जी ने आपको एक बात बताई जी, कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात आई कि डे टू डे हियरिंग होगी जी, और फिर डे टू डे हियरिंग नहीं हुई, अचानक से सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के विषय को ये कह करके टाल दिया कि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय हमारे पास है, तो पार्टी को भी तो आगे आना चाहिए था, बीजेपी को भी तो राम मंदिर पर आगे आना चाहिए, फिर हनुमान का मुद्दा चुनाव में उछाल दिया। जब राम सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, इसी वजह से सारे आंदोलन करने पड़ रहे हैं, अपनी बात का पता नहीं पड़ रही कि नहीं राम हमारे लिए नहीं, तो एक ही धड़े की पार्टी, एक ही विचारधारा वाले लोग क्यों आंदोलन पर हो गए? और विचार आंदोलन नहीं है इसका मतलब, पहले बात सुन लीजिए, ये आंदोलन नहीं है, ये राम के प्रति हमारी अभिव्यक्ति है, राम हमारी जीवन का आधार है, राम हमारी आत्मा है, राम का मंदिर बने, जल्दी बने, सबके सहयोग से बने, इस वजह से फिर जब सबके सहयोग की बात है तो फिर विरोधी स्वर क्यों, फिर सब समाज को एक साथ ले जाकर आगे बढ़ने की बात क्यों नहीं, फिर इस तरह की संकल्प सभाएं क्यों, धर्म सभाएं क्यों, सवाल तो ये भी है। अगर संत लोग सभा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा नहीं है
कि आप राम मंदिर पर चर्चा करें, राम मंदिर के लिए माहौल बनाएंगे, दूसरी तरफ संत समाज कह रहा कि हमारा भरोसा खत्म हुआ, हमको धोखा मिला है। कौन संत समाज कह रहा? अभी आपने बयान सुना कि जो जिनकी बात आप कर रहे हैं परमहंस, अभी इससे पहले आरएसएस के नेता कह रहे थे कि माहौल यहाँ पर इसलिए बना क्योंकि कोर्ट से देरी हो रही थी, सरकार कोई कदम नहीं उठा रही थी। कोर्ट ने ये कह दिया कि राम मंदिर से ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हमारे पास है, इसलिए हम इसको नहीं सुनेंगे। उन्होंने कोई तारीख भी नहीं दी, इसलिए आदरणीय महोदय, अगर सुप्रीम कोर्ट भी हिंदुस्तान में अब छल करने लगा तो फिर बताइए कि अब हम और कहाँ जाएंगे। अगर हम सुप्रीम कोर्ट को छली और कपटी जैसे शब्दों से नवाजेंगे तो हमारा संविधान कहाँ जा रहा है, हमारा देश कहाँ जा रहा है और हमारा मेयार कहाँ जा रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट किसी के साथ छल कर सकता है? अविश्वास क्यों जता रहे सुप्रीम कोर्ट पर? इस तरह की संकल्प सभाएं क्यों? नहीं, संकल्प सभाएं क्या, सुप्रीम कोर्ट ने मना थोड़ी ना किया है कि आप राम मंदिर के लिए कोई चर्चा नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, सभाएं नहीं करेंगे? बिल्कुल चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपना वो तो करें, कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, वो तो विश्वास जता रहे हैं। कोर्ट का फैसला इंतजार करेंगे भाई, तो संकल्प सभा करने के लिए ना बीजेपी मना कर रही है ना सुप्रीम कोर्ट मना कर रहा है। जरूरत क्यों, सवाल ये की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि हमारा मन है, हमें संकल्प सभाएं करनी है, हमें धर्म सभा करनी है, इसके लिए कौन रोकेगा हमें? ये लोकतंत्र है, अगर लोकतंत्र के नाम पर हमारे अल्पसंख्यक भाई कुछ भी कर सकते हैं। अभी सहारनपुर में देवबंद में 5 लाख मुसलमानों का मचल रहा है, उनकी एक तरफ, फिर कोर्ट के बाहर आपके ही संत समाज के लोग जाते हैं, मुस्लिम समाज को लाकर कोर्ट के बाहर समझौते और सुलह के रास्ते तलाश किए जाते हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इंतजार भी नहीं करेंगे। समय समय की बात होती है, जब एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोग आपस में बातचीत करके आइए, हम आपकी मदद करेंगे, उस समय उस तरीके का प्रयास किया गया 2017-18 में जी, 2016-17 में जी, 18 आते आते दीपक मिश्रा जी ने डे टू डे हेयरिंग को उन्होंने ब्लॉक कर दिया, 2-2 महीने पे होने लगी। आपकी जो चीफ जस्टिस आए उनका हम राम मंदिर नहीं, सवाल तो वक्त पर भी उठ रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि 2019 करीब है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। सलेन जी, हमारे देश में चुनाव होते रहते हैं, इस समय भी हम चुनाव से ही गुजर रहे हैं जी। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, अभी छत्तीसगढ़ में हुआ, राजस्थान में होने वाला है, हमारे देश में 2019 करीब है ना। 2019 से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये राम मंदिर के प्रति आम जनता, आम भक्तों के प्रति जो एक भावना है राम का मंदिर जल्दी बने, ये भावना व्यक्त करने का तरीका है। अगर इसका 2019 से कोई लेना देना नहीं है तो फिर कोर्ट का इंतजार क्यों नहीं? बिल्कुल अयोध्या में राम का मंदिर बनना चाहिए, अयोध्या में बनना चाहिए, अयोध्या राम की जन्मभूमि है, वहाँ बनना चाहिए, लेकिन कोर्ट का इंतजार क्यों नहीं? वहाँ पे बाबरी मस्जिद भी तो थी, मस्जिद जैसी कोई जगह थी जिसको तोड़ा गया, आखिर उसका क्या होगा? अरे बाबर नाम का एक व्यक्ति आया, उसने हमारे मंदिर को तोड़ा और मंदिर तोड़ के वहाँ मस्जिद बनाई। बाबर ने मंदिर, आप अल्लाह ताला का अपमान कर रहे हैं। नहीं, 2019 में सरकार बनाने के लिए आप पूरा मंदिर अल्लाह का घर होती है। बाबर ने मस्जिद को तोड़ा, इसका कहीं कोई और रिकॉर्ड है? इसकी क्लिप, मंदिर मस्जिद को तोड़ने की क्लिप तो आपके पास भी मौजूद होगी, आप चला सकते हैं। अगर आप मंदिर कहते तो मामला बाबर का बिल्कुल नहीं है, ये मामला 1528 से चल रहा है, 1528 मामला है, धर्म सभा हो गए, 500 साल से राम जन्मभूमि का मामला चल रहा है जी, बिल्कुल बिल्कुल। 2018 में क्यों धार मिल गई? संभालिए, ठीक है, 1528 में क्या हुआ, 1849 में क्या हुआ, 1957 में क्या हुआ, 1990 में क्या हुआ, ये बात नहीं है। 2018 के लास्ट में क्या हुआ, संभालिए, लास्ट में क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, पीछे पे नहीं है। नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए, नरेंद्र जी बताइए आखिर इस तरह का माहौल क्यों, इस तरह की संकल्प सभाएं क्यों? देखिए, आप जानते हैं कि ये राम जन्मभूमि पर ताला कांग्रेस ने खुलवाया, फिर कांग्रेस की बात, उसके बाद शिलान्यास कांग्रेस ने किया। आप ये बताइए 2018 में, आप सुनिए भाई, वहां मैं बता रहा हूं जी, कि जब ताला खुलवाना, शिलान्यास करना, तो वहां पर मंदिर बनाने का संकल्प जो है ये सभी का है। तो मंदिर बनाने के जो तीन रास्ते हैं, आप उस तीसरे रास्ते को भूल जा रहे हैं जी। पहला रास्ता बातचीत का था जो नहीं हो पाया, अमरनाथ जी ने बताया। दूसरा जो है भारत की, ये किसने तय किया कि आपसी बातों का दौर खत्म हो चुका है, हमारे पास समय नहीं है। अभी कुछ दिन पहले सरयू किनारे आरती करके आए हैं संत समाज के लोग, ये किसने तय कर दिया बातचीत का रास्ता बंद हो गया? ये तो जैसे ही कोर्ट में देरी हुई वैसे ही आपने अपने रास्ते तय कर लिए, वैसे ही आंदोलन तय कर लिया।
नहीं 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 ये किसने कहा कि बातचीत भारत की बंद हो गया और बातचीत विफल हो। ये तो आपने अपने हिसाब से रास्ते तय कर लिए और बता दिया कि हाँ अब इस रास्ते पर चलेंगे, प्रयोग करके जाएगी जी। बताइए सर्वेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश जी जिस तरह की हम स्थितियां देख रहे हैं क्या माना जाए, आखिर आरएसएस को इतनी धार देने की अचानक से जरूरत क्यों पड़ गई? माहौल बनाने की बात की जा रही, देश भर में रथ यात्राओं के जरिए संदेश देंगे, आखिर किस तरह की जागरूकता? अभी उद्धव ठाकरे आए थे तो कहते कि हम सरकार को जगाने आए हैं, आप कह रहे हैं कि हम जनता को जगाने आए हैं, आखिर जगाने की जरूरत अचानक से क्यों पड़ गई? लगता है सर्वेश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नरेंद्र जी आप बताइए आखिर जनता को जगाने की अचानक से आरएसएस आपके साथ हैं, आपकी विचारधाराओं से इत्तेफाक रखते हैं, उनको क्यों जरूरत पड़ गई? अभी इसी चीज पर तो बहस हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट यदि उसको डे टू डे सुन लेता, नवंबर में उस पर निर्णय आ जाता, लेकिन उसने कहा कि जनवरी में भी हम देखेंगे किस बेंच में जाएगा, यानी जनवरी निर्णय आएगा कोर्ट ने नहीं कहा। अब हम क्या नहीं, इसको आप और हम तय करेंगे, संसद में तो तय करेंगे है? भारत की जनता ने हमको पूर्ण बहुमत क्यों दिया है? संसद को कानून बनाने का अधिकार नहीं है क्या? तो संसद क्या करे, चुप तो बैठ जाए कानून, संसद में हम क्या जवाब देंगे लोगों के बीच? संकल्प सभा की क्या जरूरत है? संवैधानिक अधिकार है हमारा, अगर जनवरी में निर्णय नहीं आएगा तो भारतीय जनता पार्टी संसद के अधिकारों का प्रयोग नहीं, तो फिर शिवसेना वालों को ये क्यों कहना पड़ा कि हम सरकार को जगाने आए हैं? फिर आप ये आरएसएस क्यों कह रहे हैं कि हम जनता को जागरूक करने के लिए आए? ये जगाने वाला क्यों कर रहा है, किस तरह का जगा के आप प्रयास कर रहे हैं? असल वजह ये आप करिए, संसद में आइए, अभी देखिए 11 दिसंबर से हाउस शुरू हो रहा है, कितने प्राइवेट बिल आएंगे, कितने लोग जो है वो अध्यादेश की मांग करने वाले हैं, देश के सभी सांसद क्या कहेंगे जी? पूरी पार्टी के सभी सांसदों से लोग फ्लॉप हो गया, फ्लॉप हो गया जो है अपने अधिकारों का प्रयोग करिए। 25 नवंबर को भीड़ इकट्ठा की थी, जो इलेक्शन हो रहे थे स्टेट में उसके लिए इकट्ठा की गई थी, ये मामला 25 नवंबर को फ्लॉप हो गया, वो 10% लोग नहीं जा रहे हैं, कोई फ्लॉप शो नहीं हुआ, 10% लोग नहीं इकट्ठा हो रहे हैं, 10% लोग बुलाए गए थे वहाँ। क्या शो हिट कराने के लिए आयोजन हुए थे? सवाल ये भी क्या शो हिट और फ्लॉप के लिए हुए थे? यहाँ से तो संदेश तय हुआ था, सारे साथ नहीं है। अभी मैं पूछूं ये है कि जितने भी शो हो वो हिट हो फ्लॉप हो उससे नहीं मतलब, शो की जरूरत क्या है? जब यहाँ पर समाधान की बात हो रही तो उसकी जरूरत क्या है? संविधान का नाम नहीं होगा, सभा करें तो आप कौन होते हैं प्रश्न करने वाले? फैसले भी नहीं मानना है, आप कौन होते हैं हमसे प्रश्न करने वाले? बता रहे हैं भाई, तो वहाँ पे कुछ रास्ता तो तय करिए, वहाँ पे कुछ रास्ता तो तय करिए, कोई संदेश तो दीजिए। अधिकार है इस देश का, लोकतंत्र हमें इस बात की हमें आज्ञा दे रहा है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट में आप भरोसा नहीं जता रहे थे, अब लोकतंत्र की बातें बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे? वहाँ थी है और रहेगी, जितने हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला देगा। कहाँ रहेगी बाबरी मस्जिद? जहाँ थी शरीयत में लिखा हुआ है कि विवादित जमीन पर जहाँ पे कोई झगड़ा हो वहाँ हम नमाज पढ़ सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं। झगड़ा क्या, झगड़ा है, झगड़ा किसी का, हमारी भी छोड़ दीजिए, झगड़ा कोई है? आप अल्लाह ताला के नाम पे एक बाबर कह रहे हैं, आप जा रहे हैं क्यों? क्या अभी भी झगड़ा आप ये बताइए, ये बताइए आप अभी भी अल्लाह ताला का बात कर रहे हैं? राम आ रहे हैं कि झगड़े जमीन पर रहना पसंद कर रहे हैं, बताइए भाई, वहाँ पे मंदिर बनेगा है, मस्जिद बनेगी, तो कोर्ट में मामला है ना? अभी अदालत का फैसला हम मानेंगे, अगर अदालत का फैसला हमारे हक में आएगा तो हम मस्जिद बनाएंगे। अरे हम संसद का कानून बनाइए, बिल्कुल मंदिर बने क्यों कहा था? नरसिम्हा राव ने कहा था तिरानवे में मस्जिद बनाएंगे, इसलिए कांग्रेस का ये हाल हो गया कि लुटेरे के नाम पे आप मस्जिद बनाना चाहते हैं, अल्लाह ताला का अपमान कर रहे हैं आप, एक अपमान बात अपमान और सम्मान की नहीं, बात अपमान नहीं, नहीं बात अपमान और सम्मान की नहीं, बिल्कुल है मस्जिद हो, बिल्कुल है वो मस्जिद भारतीय मस्जिदों की। सर्वेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नहीं चाहिए आप हमें सर्वेश जी, आखिर संघ को इस तरह के जगाने के लिए संकल्प रथ यात्राओं की जरूरत क्यों? अभी उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि हम सरकार को जगाने आए हैं, आप कह रहे हैं जनता को जगाने आए हैं, माहौल बनाएंगे, सरकार से अध्यादेश और कानून के लिए आग्रह करेंगे, इस तरह की जरूरतें, इस तरह की कवायदे आखिर अचानक से क्यों? देखिए अचानक कोई चीज नहीं होती है, तो पहले से तय भी तो नहीं था, संवैधानिक दृष्टि से तीन पहले से तय भी नहीं था आपका ये कार्यक्रम?
भाई विकास के मुद्दों पे विफल हो गए हैं, ऐसा तो है कि ये क्या हो गया? आप काउंटर कर रहे हैं, आप काउंटर कर रहे हैं। पहले शिवसेना का कार्यक्रम था, फिर आपने दीप और आरएसएस ने धर्मसभा का आयोजन कर लिया, फिर उन्होंने 6 दिसंबर का अपना कार्यक्रम तय किया, तो आपने 1 दिसंबर को ये कार्यक्रम अपना तय कर लिया। आप काउंटर कर रहे हैं, कोई तय कार्यक्रम नहीं था। आप नौकरी नहीं दे पाए, आप विकास नहीं दे पाए, आप जगह पे विफल हो गए, तो आखिर में वही है कि राम मंदिर का मुद्दा, हम मंदिर बनाएंगे, वहां नौकरियां मिली नहीं, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, मंदिर बनाने की बात आपने की है, लेकिन मंदिर बन नहीं रहा, हमारा हमारा बेरोजगार घूम रहा है, सिर्फ राम मंदिर के बारे में बात करिए, क्या अन्नदाता आत्महत्या कर रहा है? सर्वे जी को जवाब दे लीजिए, सर्वे जी स्थिति स्पष्ट कर दीजिए, किसानों को नहीं दे पाए, किसी आप किसी कुछ ठीक है, एक बार सर्वे जी को जवाब दे लीजिए, स्थिति बहुत, सर्वे जी बताइए, हाँ आरएसएस का स्टैंड बताइए, स्पष्ट है जी, आरएसएस का स्टैंड तो सरसंघ चालक ने जी ने बता ही दिया कि मंदिर वहां बनना चाहिए, आप मतलब सरकार ये जो यात्रा निकल रही है इत्तेफाक नहीं रखते आप, जितने लोग मोहन भागवत को कर रहे थे, सरकार का होता है जी, इनके यहाँ जितने और कानून बनाने में तो संसद जो है जिम्मेदार होती है, सरकार भी है और विपक्ष भी है जी, तो इसलिए संसद को कानून बनाना चाहिए, तो आप तो उनके सहयोगी हैं, दिल्ली में बैठ के चर्चा कर लेते, फिर इस तरह की संकल्प यात्राएं रथ यात्राएं ये सब क्यों? जब 3 संस्थाएं संवैधानिक हैं जी, जिसमें कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक साथ हैं जी, विधायिका कानून बनाती है, सरकार उसको एग्जीक्यूट करती है, और सरकार क्यों नहीं कर रही, और विपक्ष में रहने सरकार अध्यादेश या फिर कानून की बात क्यों नहीं कर रही? शीतकालीन सत्र में बता देते कि हम ले आएंगे, उसको पास करते हैं, और वही जो है सुप्रीम कोर्ट में शायद कहना चाह रहे हैं कि न्यायपालिका का विरोधाभास है, आज की तारीख में जब सुप्रीम कोर्ट के जजेज अपनी बात को करने के लिए समाज के पास, सुप्रीम कोर्ट में सवाल नहीं, सुप्रीम कोर्ट की अपनी और समाज के पास अपनी कार्यशैली है, वो अपने हिसाब से सारी चीजें तय करेंगे, आप मजबूत सरकार नहीं, आप मजबूत सरकार, जो भी कुछ है वो समाज के बीच है, समाज को जागृत करने के, और जिनके कर्तव्य हैं उनको कर्तव्य नहीं, तो जागृत करने वाली बात ही बार बार क्यों, आखिर अचानक से कौन सो जाता है जिसको जगाने की जरूरत आ जाती है, और चुनाव के समय क्यों आ जाती है? इसलिए इसमें कोई राजनीति करने की बात नहीं है, ये राष्ट्र नीति है और राष्ट्र के उन्नयन के लिए, तो राष्ट्र में तो संवैधानिक संस्थाएं भी है ना, संसद भी है, सरकार भी है, मुस्लिम भी है, करके करने की जरूरत है, हर वर्ग है, फिर अपने हिसाब से सारी चीजें तय करना, अपने हिसाब से फैसले तय करना, अगर फैसले ना हो तो उसके लिए रथ यात्राएं निकालना, संकल्प सभाएं करना, धर्म सभाएं करना, धर्म आदेश जारी करना, ये सब क्या संकेत देता है? बताइए सर्वे जी, 2019 के इलेक्शन में मुद्दों की कमी है, पहले नाम बदलने की कवायद शुरू हुई, जो जिसका कुछ खास रिएक्शन जब अपोजिशन नहीं हुआ मुसलमानों की तरफ से, बहुत ज़्यादा वो नहीं हुआ, तो ये हुआ कि किस तरह से इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जो जनमत है, जो नाम था वही तो नाम दिया गया है, अब नाम बदलने की बात, नाम बदलने की बात आ जाएगी, फिर आप जो हनुमान पे आ जाएंगे, ये सब भटकाव वाली बातें नहीं, राम मंदिर पर स्टैंड बताइए पार्टी, उसमें क्या बात करेंगे, राम मंदिर पर स्टैंड बता दे बीजेपी, आखिर क्यों यहाँ पर जरूरत पड़ रही है आरएसएस को रथ यात्रा निकालने की? मैं बता रहा हूँ जी, मैं आपको बता रहा हूँ, बताइए, जनवरी के अंदर या तो सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आ जाए जी, और नहीं तो फरवरी के लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक में अधिसूचना लगेगी, उससे पहले हम कानून बना के मंदिर का निर्माण करेंगे, यानी आप दूसरे अधिकार मालिक होती है देश को और जनता संसद को चुनती है, आप आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, जनवरी में करे ना, मैं तो निवेदन कर रहा हूँ, हम कह रहे हैं अगर अगर हमारा मुद्दा बात धमकी की नहीं, बात धमकी की नहीं, बात मुद्दे के धमक की है, अचानक से सियासत में मुद्दा क्यों आ गया, धमकी दे रहे हैं, 25 नवंबर के बाद से अचानक नए नए अध्याय को जोड़ने लगे, ये आपकी मार्च में चुनाव में जाने से पूर्व इस मुद्दे को हल करके जाएंगे, अरे इस जनता मालिक है देश की, ब्रजेश जी सियासत में इस तरह की कवायदे किस तरह की संकेत देती हैं, मामला किसी का भी हो, माहौल किसी के लिए बन रहा हो, लेकिन नफा नुकसान तो हर कोई देख रहा है, हर पार्टियां अपना अपना हित देख रही है, ये जो पूरी कवायदे बनती नजर आ रही है, आखिर इसमें कौन अपना हित देख रहा है, बताइए ब्रजेश जी। देखिए मैं 2-3 बातों पे आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ जी, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट आप जानते हैं कि जब याकूब मेमन का मामला था तो रात में भी बैठी थी जी, किसी समुदाय के
इच्छा का प्रश्न था। संत समाज एक मिनट, मुझे पूरा करने दीजिए। देखिए मुझे पूरा करने दीजिए, मुझे पूरा करने दीजिए जी। कर्नाटक मामले में, कर्नाटक मामले में सुप्रीम कोर्ट रात में बैठी थी जब वहां पे सरकार का गठन होने वाला था अभी हाल ही में जी। सुप्रीम कोर्ट भी अगर कोई निर्णय देती है जो कि ऐसा कि संसद को लगता है कि जन भावना के विपरीत है, तो संसद के पास असीमित शक्तियां होती हैं उसको ओवररूल करने की जी। ये पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की कंट्री है जी। यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो इस बात की है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय नहीं देता या सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसा कोई निर्णय देता है जो मंदिर के विपरीत जाता है, तो जो यहाँ की जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है उसको पावर होती है कि पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन पास करे। अभी एस सी एस टी एक्ट में आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने लेजिस्लेट किया था। ठीक है, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, मुझे आप पूरा करने दीजिए, मुझे आप पूरा बीच में आप मत बोलिए, मुझे अवसर मिला है, मैं आपके समय में नहीं बोल रहा था। दूसरी बात ये कहनी है कि अगर संसद कोई कानून बनाती है और उस कानून को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाती है तो संतुलन और नियंत्रण हम देख चुके हैं, स्टे लगा दिया था। नियंत्रण और संतुलन की संवैधानिक व्यवस्था है, सरकार के तीन अंग है जिसमें न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका काम करती है। तो अगर मान लीजिए कि संसद कोई कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट को भी अधिकार है कि उसको अभी शून्य कर सकती है। यहाँ पर जो संवैधानिक स्थिति है वो ये है कि सरकार कभी नहीं चाहेगी कि सुप्रीम कोर्ट से कोई लॉग जैम हो, और अगर सुप्रीम कोर्ट उसमें जजमेंट दे देती है उसके बाद अगर जनभावना को ध्यान में रख करके कोई कानून संसद में लाया जाता है तो वो कानून आएगा। संवैधानिक स्थितियां हमेशा बनी हुई हैं, लेकिन ये सियासी माहौल जो बन रहा है उसकी वजह क्या है? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट इस समय कोई जजमेंट नहीं देता और इस समय अगर मान लीजिए कि कोई कानून आता भी है तो उसको ज्यादा रिस्क है कि वो कानून स्थगित हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट से, है ना? तो ये जो संवैधानिक स्थितियां हैं की बात भी नहीं मानना चाह रहे हैं, कौन तलाश कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी तभी होगी जब उसको मान लें। आपकी आस्था उसी मेरी भी आस्था है, ऐसा नहीं कि किसी की आस्था नहीं है भाई। सुप्रीम कोर्ट ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री में हम जो है संविधान को सर्वोच्च मानते हैं, हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी हम मान रहे हैं। अधिकार कोई सत्ता के जरिए जिस पे बहस लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और सवाल यही है कि आखिर ये संकल्प क्यों, आखिर इस तरह से सत्ता के कौन करीब जाना चाहता है? और जिस तरह से हमने देखा है 25 नवंबर के बाद एक अध्याय जुड़ता जा रहा है अयोध्या कांड में, उसके बाद राम मंदिर आंदोलन ही क्या सत्ता की सीढ़ी बनता नजर आएगा? रशीद साहब, आपकी बात अधूरी रह गई थी, पूरी करी। मैं कह रहा हूँ कि हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट की फैसले को मानने के तैयार हैं और संविधान को मानते हैं, जो भी हो कानून के दायरे में होना चाहिए। और ये हालात ही पैदा किए जा रहे हैं कि आदमी का माइंड डाइवर्ट हो जाए। जो असल इश्यूज थे, जो क्या माइंड डाइवर्ट हो जाएगा? अरे मैं राम का नाम लूं, धर्म सभा करूं, आपको राम का नाम खूब तपिए, राम का नाम कोर्ट में अगर मामला देर हुआ तो मुस्लिम समाज ने तो कोई आपत्ति जताई नहीं, उनको तो बेसब्री और बेकरारी उनकी तो नहीं दिखी, आपकी क्यों है? आपको सियासत में इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे। कबीरदास कहते हैं नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। नहीं, राम 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 हमारे विधान है, राम संविधान है, राम हमारी आत्मा है। तो कैसी बात कर रहे हैं? आत्मा है तो मेरे भी, मेरे राम ने तो मर्यादा का संदेश दिया था ना, सुप्रीम कोर्ट मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। तो आप अपनी मर्यादा क्यों लांघ रहे हैं? आप क्यों संविधान के ऊपर जाने की बात कर रहे हैं? सर्वेश जी, क्या बुरा लग रहा है? सर्वेश जी को जवाब देने दीजिए। सर्वेश जी बताइए, क्यों आखिर इस तरह से राम के नाम पर अब इस तरह का आंदोलन हो रहा है और इसके पीछे क्या कुछ आपको लग रहा है आरएसएस का संदेश है देने की कोशिश? आरएसएस का तो सीधा संदेश पहले ही सरसंघ चालक ने दे दिया जी। मैं संविधान के बात करने वालों से कहता हूं कि संविधान में अनुच्छेद 51 है जी, और जिसमें इस राष्ट्र की अस्मिता और इस राष्ट्र के लिए हृदयंगम करके उसको करना चाहिए जो ये विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जी बार और बेंच दो हैं जी। बेंच को बार ने कहा कि इसको जो है आप ले जाइए 19 के लिए, तो ये क्या समय से निर्णय करने देंगे? इसलिए जो है जनता ही इसको तय करेगी कि ये जो नहीं, अभी थोड़ी देर पहले संघ कह रहा था कि सरकार तय करेगी, जनता तय करेगी, सरकार का मामला हो, इन सबको जो है देश की अस्मिता और देश के साथ खड़ा होना चाहिए, या फिर कोई आखिर जनता कैसे तय कर देगी? फिर जनता में तो मुस्लिम समाज भी है, जनता कैसे तय कर देगी? जनता ही समाज को, नहीं तो जनता तो सामूहिक संज्ञा है ना, जनता तो सामूहिक संज्ञा है, उसमें मुस्लिम समाज भी है। युवा बुलाइए, उनके साथ बात करिए, फिर आप ये अलग अलग आंदोलन क्यों, अलग अलग इस तरह के धर्म सभाएं क्यों? अगर आप जनता से पूछ रहे हैं, जनता में हर वर्ग है, फिर निकल के बाहर आ गए, सब शुरू हो गया। तो धर्म सभा में यात्रा में जनता ही तो शामिल है, हमारे देश के लोग ही तो नरेंद्र जी, आप बताइए, आप झांसे में आ रहे, कोई नहीं आ रहा, क्या आपको लग रहा है कहीं ना कहीं इसमें सियासी नफा नुकसान की भी बातें, जो इस तरह की स्थितियां बन रही, कभी शिवसेना को आगे आना पड़ता है, कभी विहिप को आगे आना पड़ता है, कभी आरएसएस को आगे आना पड़ता है, और 2019 भी आ गया है। हर पार्टी की अलग भाषा, हर पार्टी का अलग अलग बयान, कोई अलग भाषा नहीं है। नरेंद्र जी को बोलने दीजिए, कहेगी राम का मंदिर बने और जल्दी बने, इसमें क्या भाषा? नरेंद्र जी को बोलने दीजिए, ठीक है, जल्दी बने, लेकिन साथ में मस्जिद भी बने, नहीं साथ में मस्जिद बनेगी कि साथ में वो बात का बात है, जो पहले बीजेपी का स्टैंड यही है। नरेंद्र जी को बोलने बात आप नरसिम्हा राव से पूछिए, लेकर नरसिम्हा राव कांग्रेस का वादा किया आपसे, कांग्रेस से बात की, मस्जिद थी लेकिन थी वहाँ पे मस्जिद तोड़ी गई और साथ में मस्जिद भी बने, राम का मंदिर बने, मस्जिद का बात हो नहीं रही है, मंदिर का विरोध कर रहे हैं कि यात्रा क्यों, बिल्कुल नहीं मंदिर का विरोध, मंदिर की बात विरोध, मंदिर बने या मस्जिद बने इसमें अपनी सियासी सीढ़ियां कौन बना रहा? सवाल ये कि मंदिर बने या मस्जिद इसमें अपनी सियासी सीढ़ियां कौन बना रहा, खासतौर पर तब जब अचानक से आंदोलन को धार देते हैं, नजर आ रहे हैं जब 2019 नजदीक आ रहे हैं मंदिर के साथ में, बिल्कुल नहीं, तो उनकी अपनी आकांक्षाएं हैं, उनका अपना, उनकी अपनी आस्था है, आपकी अपनी आस्था है, अगर आप उसको मंदिर कह रहे हो तोड़ा क्यों आपने? अगर आप कह रहे थे मंदिर, ठीक है, नरेंद्र जी को बोलने दीजिए, बताइए। चले जी, बहुत सारे दर्शक देखते हैं और सही सही बात लोगों के बीच में जानी चाहिए जी, बताइए। 8 साल से 2010 से 2018 जी, 8 साल से सुप्रीम कोर्ट को कोई समय नहीं है इस विषय को सुनने के लिए जी। 8 वर्ष के इंतजार के बाद अब यदि भारत की संसद के पास भी कोई समय नहीं है इस विषय को सुनने के लिए, तो इस देश का बहुसंख्यक समाज जिसने इस सरकार को चुना है वो कहां जाए, वो किससे बात करे? तो ये भरोसा तो आप ही के ऊपर था ना, ये भरोसा तो आपको बना के रखना था, 4 साल बाद ये बातें क्यों कर रहे हैं? 2014 में ये बातें तो नहीं कह रहे थे, तब तो आपने कहा था कि संवैधानिक दायरे में रास्ता चला देंगे, फिर से बनाइए, सब फ्लॉप हो गया आपका, सुनना चाहिए भारत की संसद को।
गांव में जाइए, किसान कह रहा है आप मैं कहां से हूं, मेरी 8 साल मेरी से मेरी फसल जी गाय चर जा रही है, गाय चर जा रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। चार साल से तो आपका सहयोगी सरकार करके बीजेपी से सवाल करेंगे तो कांग्रेस को उलझा देंगे, कांग्रेस से करेंगे तो आप बीजेपी को उलझा देंगे। सपा उसके अपने हित है, दूसरी पार्टियों के अपने हित है, मुस्लिम समाज के अपना स्टैंड है। सवाल ये किस तरह के संकल्प जो शरीर और सांस का है विजय जी को बोलने दीजिए, आपकी बात समझ प्राण है बिना राम बिल्कुल जी। बिल्कुल आप कह रहे हैं, अभी आज कल कई बयान है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब पहले तो नाम बदल देते, अब जाति की बात नहीं पता, बात नाम बदलने की नहीं है, सरकार की नहीं है। एक मिनट विजय जी को बोलने दीजिए, अपना जो करना है आप अपना करिए। इस देखिए वो हमें करना ठीक है, वो नाम बदल रहे हैं, हनुमान पे सियासत कर रहे हैं, बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जनता जवाब दे दे। कोई बात नहीं कह रहा है, विकास की बात नहीं कह रहा है, कोई रोजगार बच्चों को देंगे, पढ़ाई उनकी तो यही बात है। जब आप विकास की बात करेंगे तो राम मंदिर की बात करने लगेंगे, जब आप मंदिर पर बैठ चला जाएंगे तो विकास की बातें करने लगेंगे। तो उसी बताइए, बड़ा आक्रोश। देखिए आपको मैं एक बात ध्यान आपका खींचना चाहता हूँ जी, जब मंदिर का ताला खुला था और जब वहाँ पे पूजा अर्चना शुरू हुई तो एक राष्ट्रव्यापी बहस शुरू हुई। उस समय राजीव गांधी की सरकार थी और हम सब लोग जानते हैं कि गर्भगृह पर जहां पर मंदिर था गर्भगृह में पूजा होती थी। इसके बावजूद भी कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने गर्भगृह से करीब 300-400 मीटर दूर शिलान्यास किया था मंदिर का जी। अब अगर जनभावना का प्रश्न आप उठाएंगे तो ये प्रश्न उठेगा कि जब वहाँ पर पूजा अर्चना होती थी तो उस जगह से उस गर्भगृह से 500 मीटर दूर ले जा करके मंदिर का शिलान्यास करने का क्या अभिप्राय था और किन लोगों के को खुश करने के लिए राजीव गांधी की सरकार ने ऐसा किया था। वही तो सवाल। अच्छा दूसरी बात, अब जब आप अगर ये कहेंगे, अब अगर आप ये कहेंगे, रुकिए, अगर आप ये कहेंगे, अगर आप ये कहेंगे कि उनका तबका मामला के लिए था, मंदिर का मामला अभी के लिए रहा है, चाहता हूं ताला कहां लगा था मैं बता रहा हूं, मस्जिद में लगा था ताला, कहां की स्थितियां क्या थी ये सवाल नहीं, सवाल ये है अब ये स्थितियां क्यों, जब उसने पूजा हो रही है तो मस्जिद नहीं हो सकती, वो ढांचा हो सकता है, ढांचा क्या, ढांचा कैसे, ढांचा ही होगा, ढांचा किस चीज का होता है जी, नहीं ये ब्लैक है, अमरनाथ जी बहुत करीब से जाते हैं सारे मामलों को, अमरनाथ जी बहुत करीब से जाते हैं इस मामले को, बताइए। और एक मिनट, मैं तब की स्थितियां छोड़ दीजिए, अब की स्थितियां ऐसी क्यों, अमरनाथ जी बताइए उसका उसका रिएक्शन भी देखिए, लोकतंत्र राजीव गांधी ने अगर ताला खोला चुनाव के समय में ऐसे मुद्दे उठना लाजमी है, यही कांग्रेस का क्या आश्रय हुआ, देश को ये समझना पड़ेगा। मतलब आप धमकी दे रहे हैं, हम धमकी नहीं दे रहे, तो हम बता रहे हैं कि कांग्रेस का क्या हुआ। अच्छा सुनिए, इसी के बदलाव के नतीजे में आप चीज हमें बता दीजिए, जिसको आप मस्जिद बता रहे हैं भजन में वहाँ पे कौन मुतवल्ली है आपका और कौन इमाम था जो नमाज पढ़ाता था, जब जब इतने सालों से आपने कस्टडी में ले रखा है उसको, जब आप मस्जिद बता रहे हैं तो कोई ना कोई तो मुतवल्ली होगा उसका, मस्जिद का इमाम कौन था, मुतवल्ली एक और बात कहनी है, देखिए एक बात और भी कहनी है, देखिए हमारे मंदिर के पुजारी आज भी है वहाँ पर, नहीं मंदिर मस्जिद की लड़ाई मत करिए, मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ाई है कि अपना सियासी लाभ कौन देख रहा है। ब्रजेश जी की बात कर रहा, ठीक है ब्रजेश जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, उनका सवाल आ जाने दीजिए, आप बताइए, ठीक है मंदिर मस्जिद पे लड़ाई मत करिए, मंदिर मस्जिद पे लड़ाई मत करिए, बोर्ड में रजिस्टर्ड है मस्जिद, आप सुन्नी वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड, कुछ भी रजिस्टर्ड कर लीजिए, ऐसे कैसे रजिस्टर्ड हो जाएगा, नहीं 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 ये मुद्दा नहीं, मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं, ब्रजेश जी बताइए 500 साल से मामला चल रहा है, आपका मुतवल्ली कौन है वहाँ पर, ठीक है वहाँ पर जो स्थितियां वो अलग की बात है, सियासत में स्थितियां क्यों है, मुतवल्ली कौन है, कौन इमाम था 6 दिसंबर 92 के पहले जो नमाज पढ़ाता था, जब ताला बनता तो उसमें कौन जानकारी की है ही नहीं, बात ये बात जनता की है, बात ताला मंदिर का खोला गया था, आप अपने मस्जिद का इमाम मुतवल्ली बताइए, दूसरा कोई काम नहीं, झूठ बोलने की बात, झूठ बोलना, सबको झूठ बोलना है, बाबरी मस्जिद को झूठ बोलने के लिए तो सैकड़ों है, झूठ बोलने नहीं, ठीक है चलिए बताइए, बिल्कुल मंदिर मस्जिद में मत लड़िए, मंदिर मस्जिद में मत लड़िए, मंदिर का ताला खुला था, ठीक है ब्रजेश जी को बोलने दीजिए, ब्रजेश जी बताइए, ठीक है ब्रजेश जी को बोलने दीजिए, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है देखिए, ठीक है मंदिर मस्जिद में छोड़ दीजिए, 90 में क्या हुआ, 92 में क्या हुआ, 2010 में क्या हुआ, छोड़ दीजिए,
2018 की बात करिए, नहीं डिबेट को डिरेल मत करिए, नहीं डिबेट को डिरेल मत करिए। ब्रजेश जी बताइए, देखिए एक फैक्ट को सुनिए, एक नहीं कह रहा हूँ, 6 दिसंबर की बातें मत करिए, 90-92 की बात, 2018 की बात कह रहा हूँ। हाँ बताइए, अगर आप ये विश्वास करते हैं कि उसको मीर बाकी ने बनवाया था, तो आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि उसने किसी मंदिर को ध्वंस करके ही बनवाया था। बाबर से कोई रिश्ता नहीं आपका, क्या सबूत है कि मीर बाकी ने बनवाया था? क्या बात करते हैं आप, बिल्कुल सही बोला है, क्या सबूत है आपका? सबूत दीजिए, सबूत दीजिए, मीर बाकी ने बनवाया था, सबूत है, क्या सबूत है? मैं नहीं मानता इसको, राम संग्रहालय में जितनी भी खुदाई हुई चीजें मीर बाकी ने बनवाया था, चलिए आप देखिए, चलिए था या सबूत, ये सारी चीजें तो कौन, ये सारी चीजें तो कौन डिसाइड करेगा ना? मीर बाकी ने बनवाया था, यह सबूत आपके पास और कोर्ट में सारे फैक्ट्स पहुंच गए हैं, क्या बात करते हैं आप? सबूत कोर्ट में इसी का, उस पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आ गई है, यही यही अपनी बात कहते चले जाते हैं, बिल्कुल उसी ने वही जो फैक्ट है उनके सुनवाई से बात करिए, अपने मन से बात मत करिए, जबरदस्ती बात मत करिए, इसीलिए जो फैक्ट्स है फैक्ट्स के जग में बात करिए, उसको आपने तोड़ा नहीं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, चलिए ठीक है, सर्वे जी से बात जान लेते हैं, ठीक है आपकी बात हम समझ गए, सर्वे जी क्या माना जाए, भरोसा कमजोर हुआ था सरकार का, कहीं ना कहीं जो उम्मीदें थी वो कमजोर हुई थी, तो संघ के बहाने अपने भरोसे को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए एसआरएस का पूछ रहा है, तो सर्वे जी को बोलेंगे नहीं जाएगा, सर्वे जी बताइए, रिपोर्ट आई हुई है, जजमेंट ठीक है, ठीक है, एक बार सर्वे जी को बोलने दीजिए, सामने आएगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से हसन अहमद साहब, ठीक हम समझ गए आपकी बात, आपकी चिंता है, कोर्ट उस पर फैसला करेगा, सर्वे जी बताइए क्या लगता है, जो बीजेपी से तमाम आपकी आकांक्षाएं थी, जो भरोसा था वो कमजोर हुआ, इसीलिए आरएसएस को आगे आना पड़ा, भरोसे पर ही सब काम होते हैं, और 120 करोड़ लोग भरोसा करते हैं, और इसी वजह से संसद में चुन करके जाते हैं, संसद और सुप्रीम कोर्ट, तो संसद में जो चुन के गए उसमें तो मदद आपने ही की थी ना, जमीन पर तो आरएसएस ही काम करता है बीजेपी के लिए, इसके लिए जो है सभी उसके उत्तरदायी है, और सभी को काम करना चाहिए, और संविधान में प्रेम्बल में ही कहा है, बिलीव वर्शिप, नहीं संविधान में क्या कहा गया वो सवाल नहीं, सवाल ये है कि सरकार को जो कहकर आई थी वो क्यों नहीं कर रही है, नरेंद्र जी को जवाब देने ले दीजिए, बारे में नहीं सोचा नरेंद्र जी, आप जवाब दीजिए, किया जाएगा तो किसके लिए किया जाएगा, नरेंद्र जी बताइए, सुप्रीम कोर्ट में क्या 2019 की लड़ाई कमजोर होती नजर आ रही थी, मंदिर मुद्दे पर आप बैकफुट पर जा रहे थे, जिसकी वजह से आरएसएस और बीप आप बैकडोर से ताकत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं सरकार मानना चाहिए कोर्ट और कर में रखते हैं, सरकार और कर का हमें कोई लेना देना नहीं, केवल सत्य की बात करने आए हैं, नहीं सत्य की बात कहा है, तो सत्ता की बात लग रही है, हर कोई बोल रहा है कि सत्ता की लड़ाई है, हमें यदि राम सत्य की बात होती तो सत्य तो पहले भी वही था, सत्य का इंतजार करिए, कौन बता देगा क्या सत्य है, हो जाएगा वहां से, हाँ बिल्कुल, चलिए देश की मालिक जनता, देश की सियासत में राम मंदिर का मुद्दा यूं ही सियासी नफा नुकसान का मुद्दा रहा है, और ये नफा नुकसान 2019 में भी लेने के लिए हर पार्टी की अपनी कवायदे हैं, अपनी कोशिशें हैं, इसीलिए कभी संत समाज का आ गया था, कभी शिवसेना आ गया है, कभी राम मंदिर आंदोलन के चेहरे रहे ही आगे आकर पेटेंट की बात करने लगते हैं, लेकिन स्थितियां किसकी तरफ जाएंगी, सियासत किस करोड़ बैठेगा, ये बड़ा सवाल है, और इसी सवाल के साथ ये बड़ी बहस आज इतनी ही, तमाम दर्शकों और मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।